दोस्तों, मैं धर्मिंदर शाह, LIC मोटिवेशनल ट्रेनर। दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आपकी नीड्स के हिसाब से मैंने एक कॉन्सेप्ट को तैयार किया है, जिसके अंदर आपका जो बेनिफिट्स है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला इस प्लान के अंदर, और इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ही कम हो रहा है। दोस्तों, इस प्लान के अंदर आपको सेव करना है मात्र 3600 रुपया पर मंथ, यानी आपको 120 रुपये पर डे के हिसाब से सेविंग करना है। और दोस्तों, वो भी मात्र 16 साल, 16 साल के बाद आपको प्रीमियम LIC को नहीं देना है। दोस्तों, इस प्लान के अंदर आपको 25वें वर्ष मिलने वाला है 5,40,000 रुपये टैक्स फ्री। फिर दूसरा जो रिटर्न मिलेगा वो 21वें साल मिलेगा 4,17,000 रुपये का। फिर तीसरा रिटर्न मिलेगा आपको 19वें साल 2,07,350। चौथा जो रिटर्न मिलेगा 18वें साल मिलेगा 1,83,500। और 16वें साल मिलेगा 1,68,700 रुपये। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए है जिनकी सोच है कि LIC पैसा बहुत ही कम देती है। दोस्तों, इस प्लान के अंदर अगर आप टोटल कैलकुलेट करते हैं तो आपको रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलता है। मैं वीडियो के अंत में आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना आपको रिटर्न मिलता है। दोस्तों, इस प्लान के अंदर जो प्रीमियम पेइंग टर्म जो है मात्र 16 साल है। और दोस्तों, यहाँ पे 16वें वर्ष आपको 1,68,700, 18वें वर्ष 1,83,500, 19वें साल 2,07,350, 21वें साल 4,17,000 और 25वें वर्ष 5,40,000 रुपये। दोस्तों, मात्र 120 रुपये की प्रतिदिन की बचत पे आप ये प्लान को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आई थिंक इससे क्या बेनिफिट्स होने वाला है, दोस्तों ये अपने बच्चे के एजुकेशन के पर्पज़ के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये कॉन्सेप्ट बनाने का मेन पर्पज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिलाना। तो आई थिंक ये मोटा मोटा आप समझ चुके होंगे, समझ आ चुका होगा। दोस्तों, इसको और ब्रीफली जाने के लिए मैं एक कैलकुलेशन पे जाना चाहूँगा, ताकि मैं आपके मन में डाउट है उसको मैं जल्दी से क्लियर कर सकूँ। दोस्तों, जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है, कोई भी आपने सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना है। जुड़ने के लिए करना क्या, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद आपको रिंग बेल का आइकन दिखेगा, उसको भी बजा दीजिए। इससे क्या होगा, मेरा वीडियो जो भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं कैलकुलेशंस पे, ताकि मैं आपके कंफ्यूजन को जल्दी से दूर कर सकूं। तो मेरे पास एक ऐप है ऑल इन वन कैलकुलेटर, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने एक कॉन्सेप्ट को कैसे तैयार किया है। सबसे पहले आते हैं प्लान कॉम्बिनेशंस पे। आपका एज लेता हूं मैं 30 साल। अब यहां पे जो मैंने प्लान लिया है वो टेबल नंबर 814, टेबल नंबर 836, टेबल नंबर 833, ये तीन मैंने प्लान लिया है। अब आते हैं कैलकुलेटर पे। अब यहाँ पे मैंने एज पार्टी का लिया है 30 साल, और मैंने जो टेबल नंबर 814 का टर्म लिया है वो लिया है 16 साल, और 1,00,000 का मिनिमम सम इंश्योर्ड, जिसको बीमा धन कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने टेबल नंबर 836 का 2 टर्म लिया है, 21-15 2,00,000 रुपये का सम इंश्योर्ड, और यहाँ पे लिया 25-16 2,00,000 रुपये का मिनिमम सम इंश्योर्ड। अब लिया जीवन लक्ष्य, इसके 2 टर्म लिया मैंने, 1-18 साल 1,00,000 रुपये का मिनिमम सम इंश्योर्ड, और 1 लिया 19 साल 1,00,000 रुपये का मिनिमम सम इंश्योर्ड, सॉरी 1,10,000 का यहाँ पे मैंने जो लिया सम इंश्योर्ड लिया। अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, यहाँ पे जो मंथली इन्वेस्टमेंट होता है आपका 3600 रुपये पर मंथ होता है, यानी एनुअल करेंगे तो आपका 42,344 रुपये होता है फर्स्ट ईयर। 2 साल से लेकर 15 साल तक जो प्रीमियम पे करेंगे 3522 रुपये के पर मंथ के हिसाब से करेंगे, और जो 16वें साल जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1,986 रुपये पर मंथ। इस प्लान के अंदर टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है 6,45,754 रुपये, और टोटल आपको मिलता है 15,16,950। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, 16वें साल आपको 1,68,700 रुपये मिलेगा, फिर 18वें साल 1,83,500, 19वें साल 2,07,350, और फिर 21वें साल 4,17,400 प्लस 25वें साल 5,40,000 रुपये। दोस्तों, यहाँ पे सम इंश्योर्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिए, टेबल नंबर 814 का जो मैंने टर्म लिया है 16 साल है, 16 साल प्रीमियम पे करना है। टेबल नंबर 833 का जो टर्म लिया 18 साल, उसमें 15 साल प्रीमियम पे करना है। टेबल नंबर 833 का 19 साल का टर्म है, वहाँ पे आपको 16 साल प्रीमियम पे करना है। टेबल नंबर 836 का 21-15 है, वहाँ पे भी आपको 2,00,000 का सम इंश्योर्ड है, और टेबल नंबर 836 का 25 साल का टर्म है, 16 साल प्रीमियम पे करना है, और 2,00,000 का सम इंश्योर्ड मैंने लिया है। डेथ सम इंश्योर्ड की बात करें तो 0 साल से लेकर 16 साल तक का जो डेथ सम इंश्योर्ड रहेगा 7,31,000 का रहेगा, एक्सीडेंटल इसका डबल हो जाएगा, फिर 17 से 18 साल का रहेगा, फिर 19वें साल आपका 5,21,000 का रहेगा, 20 से 21 साल तक रहेगा 4,00,000, 22 से 25 साल रहेगा 2,00,000,
एक्सीडेंटल इसका डबल हो जाता है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको मोटा मोटा क्या बहुत ही ब्रीफली आपको समझ आ चुका दोस्तों। ये प्लान किसी से भी आप एडवाइजर से लेना चाहते हैं तो आप ये प्लान का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने LIC के एडवाइजर भाई से बता दीजिएगा मुझे ये टर्म लेना है, तो ये आप प्लान आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक जो भी कैलकुलेशन होता है दोस्तों, जो LIC जो जिस प्लान का बोनस डिक्लेयर करती है उसके बेस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। दोस्तों फिर भी किसी का मन में डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।